આ રાહુલ ગાંધીનું ડ્રીમ પ્રોજેક્ટ છે અને આ કાર્યક્રમને ફરીથી લોન્ચ કરવામાં આવી રહ્યો છે। सूरत खाते भारतीय युवक कांग्रेसना सेक्रेटरी और गोवा इंचार्ज प्रदीप सिंधवजी, गुजरात प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता रोहन पांडेजी और गुजरात प्रदेश युवक कांग्रेस मंत्री हिरेन कुमार जयेशभाई कंथारिया द्वारा लॉन्च करवामां आव्युं। आ प्लेटफॉर्मना माध्यमथी गुजरातनो युवान तानाशाही सरकार और बेरोजगारीने लईने, मोंघवारीने लईने और भ्रष्टाचारने लईने, पेपर लीक जेवा मुद्दे लईने सवाल करशे। महिलाओं पोतानी सुरक्षाने लईने पण सवाल करशे। जय हिंद, जय गरवी गुजरात। यंग इंडिया के बोल कार्यक्रम आ राहुल गांधीजीनो ड्रीम प्रोजेक्ट छे। आ कार्यक्रमना माध्यमथी प्रतिभा शोध करवामां आवशे युवानोनी वच्चे। आ प्लेटफॉर्मनी माध्यमथी गुजरातना युवानो बेरोजगारीने लईने, मोंघवारीने लईने, भ्रष्टाचारने लईने अने पेपर लीक थाय छे ए मुद्दाने लईने सरकारने सवाल करशे। महिलाओ पोतानी सुरक्षाने लईने सवाल करी सके छे आ प्लेटफॉर्मना माध्यमथी। आ प्लेटफॉर्मना माध्यमथी गुजरातनो युवान मुख्यमंत्री साहेबने पण प्रश्न करशे के ज्यारे पण पेट्रोल डीजलनो भाव वधे त्यारे गुजरात पर लाखों करोड़ों रूपियानो बोझ पड़े अने मुख्यमंत्री साहेब बोली केम नथी रहता। आ प्लेटफॉर्मना माध्यमथी गुजरातनो युवान शिक्षण मंत्रीने पण प्रश्न करशे के शुं कारण छे के वारंवार पेपर लीक थाय छे ने गुजरातने सारी शिक्षण मळे ए तमारी जवाबदारी छे ने जो काम न करवुं होय तो राजीनामो आपी देवो। आ यंग इंडिया के बोल आ लिंक पर क्लिक करीने गुजरातनो युवान फॉर्म भरी सके छे अने पोतानो आवाज आ तानाशाही सरकार सामे उठावी सके छे। आजे सूरत में आने लॉन्च करवामां आवी रह्युं छे। अमारा प्रदीप सिंधवजीना मार्गदर्शन में जे अमारा नेशनल सेक्रेटरी है यूथ कोंग्रेसना अने गोवाना इंचार्ज है। मैं गुजरातना युवानोथी निवेदन करूँ कि वधारे में वधारे फॉर्म भरो अने गुजरातना तानाशाही सरकार ने सामे पोतानो आवाज बुलंद करो। आभार। नैतिक रेशमवाला, वी इंडिया न्यूज, सूरत।